तो भाई रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं। हाँ तुम सही सुन रहे हो, रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं। मैं जानता हूं तुम में से बहुत लोगों का मन कर रहा होगा कमेंट सेक्शन में मुझको बहुत गंदी गंदी गाली देने का, लेकिन वीडियो को देख लो, पूरी बात समझ लो, मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम मेरी भावनाओं की कद्र भी करोगे और कहोगे भाई बात तो तुम सही कह रहे हो। देखो अगर तुमने इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच ये जो मैच हुआ है इसको पूरा ध्यान से देखा होगा ना, तो तुमको रोहित शर्मा थोड़े से बदले बदले जरूर दिखे होंगे। कहीं ना कहीं तुम्हें ये जरूर लगा होगा ये रोहित शर्मा वो रोहित शर्मा नहीं है जिसको हमने वर्ल्ड कप 2023 में देखा था। रोहित शर्मा जब से सीरीज में आए हैं ना बिल्कुल भाई एकदम लेजी से हो रखे हैं। लेजी से मेरा मतलब उनकी बुराई करना नहीं है कि उनको परवाह नहीं है क्रिकेट की, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे चीजों के पीछे। सबसे पहली बार मुझको ये तब लगा था जब ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले खबर आई थी कि रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डिनाई कर दिया है, कह दिया है कि यार रहने दो छोड़ो। तब मुझको लगा था कि शायद रोहित शर्मा बहुत बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। पर अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये कंक्लूजन कैसे दे दिया कि रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं। तो भाई देखो हाल ही में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की सीट से जब रोहित शर्मा को हटाया गया तब भी जब उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया तो मुझको देखो ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई जिंदगी में कुछ बम ऐसे आपके ऊपर गिरेंगे कि आप सोच भी नहीं रहे होंगे, पर फिर भी आपको ना चाहते हुए उन बमों के गिरने से जो आघात पहुंचा है वो जो परिणाम निकला है वो चाहे अच्छा है या बुरा है आपको एक्सेप्ट ना होगा। समय के साथ हमने कैसे ना कैसे देखो एक्सेप्ट कर लिया कि रोहित शर्मा हमें आईपीएल 2024 में कैप्टन के रूप में नहीं दिखेंगे। अभी देखो जब रोहित शर्मा को खेलते हुए देख रहे हैं या फिर एक कैप्टन के तौर पे पिच पे खड़े होते हुए देख रहे हैं तो ऐसा देख के लग रहा है कि मन में बहुत कुछ चल रहा है, मन में बंदा दबा के बैठा है, कोई बहुत बड़ा बोझ है जो अभी भी दिमाग से नहीं निकला है। और वो बोझ क्या होगा, वही जो हाल ही में भारत को वर्ल्ड कप 2023 में हार मिली है उससे बड़ा और उसके अलावा और बोझ क्या हो सकता है। और पता है ऐसे बोझ जब आपके दिमाग से निकलते नहीं है ना तो आपका दिमाग आपसे यही कहता है कि बस कर यार, आराम कर, कोई बात नहीं, जा अपनी जिंदगी जी। और ऐसे ही फेज में अक्सर इंसान रिटायरमेंट की घोषणा कर देता है। लेकिन ये तो मैंने तुमको एक बहुत ही छोटा सा सबूत दिया है, अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं उससे सुन के डेफिनेटली 100% तुमको ये फील होने लगेगा कि भाई रोहित शर्मा कोई बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं जिससे वो हर क्रिकेट फैन के दिल को पूरे तरीके से जला सकते हैं। अब वो बात क्या है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी जबरदस्त क्रिकेट की अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे आपके लाते रहते हैं। अगर तुमने अभी तक वो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है ना तो भाई क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी ऐसी बातें तुम मिस कर देते हो, तुम सोच भी नहीं सकते। हम वहां न्यूज नहीं देते हैं कि इसका विकेट गिर गया है, ये बॉलिंग पे आ गया है, ये मैन ऑफ द मैच बन गया है। हम इसी ट्रेंडिंग वर्ल्ड में जो क्रिकेट की चीजें चल रही हैं उसके पर्दे के पीछे जो अपडेट्स आती हैं जो आसानी से हर किसी को पता नहीं चलती हैं या फिर जो थोड़ी सी देर से पता चलती हैं, ऐसी बातें, ऐसे स्टैट्स, ऐसे फिगर्स हम आपके लेके आते हैं जो आपकी क्रिकेट की नॉलेज को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, बल्कि सेम टाइम पे अगर कल को आप कहीं भी बैठो और किसी भी टॉपिक पे क्रिकेट रिलेटेड बात चल रही हो ना तो आपके पास बोलने के लिए इतना कुछ होगा क्योंकि आप उनके कंपैरिजन में बहुत कुछ जानते होगे। कहां से जानोगे, जैसा मैंने कहा आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करके देखिए, वहां पे दिन की 15-20 कुछ हम पोस्ट डालते हैं जो आपके दिमाग को इतना ज्यादा खोल देगी कि आने वाले वक्त में आप ना ही जबरदस्ती किसी को हेट करेंगे और ना ही जबरदस्ती पागलों की तरह किसी क्रिकेटर के प्यार में पड़ेंगे। और ऐसा फ्यूचरिस्टिक आपका एक एंगल बन जाएगा दिमाग में जिससे आप आने वाले क्रिकेट के खतरे को जान पाएंगे और इतना कुछ पहचान पाएंगे क्रिकेट वर्ल्ड में तो शायद और कोई नहीं पहचान पाएगा। लग रहा है ना कि मैं बातें बड़ी बड़ी कर रहा हूं, क्योंकि भाई सच में ये टेलीग्राम चैनल कुछ ऐसा ही है। मेरी बात से सुनो मत, एक बार जाके तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करो, उसके बाद देखो तुमको कितना कुछ जानने को मिलता है। उसके अलावा और भी चीजें हम आपके लिए वहां लेके आते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड में आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको पूरी मिलती है, लेकिन मेन जो फोकस रहता है वो क्रिकेट के अंदर आपके दिमाग को खोलने के प्रति रहता है। तो मेरी बात से सुनिए नहीं, एक बार जाके टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करिए, उसके बाद देखिए क्या कमाल होता है। तो अब नजर डालते हैं अपने उस दूसरे बड़े सबूत पे जिसे सुन के और जिसे देख के तुमको फिर से ये एहसास होने लगेगा, हाँ भाई कोई बहुत बड़ा खतरा है जो धीरे धीरे करीब आ रहा है, एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है जो धीरे धीरे हमारी तरफ अप्रोच कर रही है। देखो सबूत असल में ये है कि जब भी आपने नोटिस करा होगा कोई भी कैप्टन मैच हारता है और खासकर इतने बुरे तरीके से हारता
है या फिर कैसे भी हारा हो, और उसके बाद अगर उसी सीरीज में कोई और मैच होना हो तो जब भी वो कैप्टन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाता है ना, तो हाँ ठीक है वो अपनी खामियों के बारे में बात करता है, उसने पॉजिटिव्स क्या लिए इस मैच में उस बारे में बात करता है, नेगेटिव्स क्या लिए उस मैच से उस बारे में बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरी ही बात में एक ना एक बार ये जरूर कहता है कि देखिए हम कमबैक करेंगे, हाँ हमने यहाँ पे खराब खेला है लेकिन हमारी टीम खराब नहीं है, हम फाइट बैक करेंगे और अगर हम एक मैच हारे हैं तो अगला मैच जीत के इस सीरीज को ड्रॉ कराएंगे। पर कल के दिन जब रोहित शर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं ऐसा उनकी तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। अगर आप विराट कोहली वाले एरा को याद करें, जब जब विराट कोहली मैच हारने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते थे तो क्या आप उनके शब्दों पर फोकस करते थे? भाई उसकी आंखों में दुख बिल्कुल नहीं दिखता था, एक रिवेंज मोड ऑन हो जाता था और उसके शब्द पता है क्या होते थे? हाँ ठीक है हमसे गलतियां हुई लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग टीम है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम कुछ भी करके, इतने हार्श वर्ड नहीं होते थे लेकिन मतलब जो उसका सार होता था ना शब्दों का वो ऐसा ही होता था कि हाँ हम इस मैच को भले ही नहीं जीत पाए लेकिन अभी भी मैचेस बाकी हैं, हम जानते हैं हमारे पास कितने खतरनाक हथियार हैं, हम फाइट बैक करेंगे और यहां पे वो करके दिखाएंगे जो विपक्षियों ने सोचा भी नहीं होगा। भाई साफ साफ उसकी आंखों में झलकता था कि इन्होंने ये मैच हमें गलती से हराया है, पावरफुल टीम तो हम ही हैं। और सच में जब वो वापस से आते थे अगले मैच में तो लगता था कि भाई पिछले मैच की हार को भूल गए हैं, बिल्कुल फ्रेश होके आए हैं लड़ने के लिए, सामने वालों को हराने के लिए। लेकिन कल के दिन जब रोहित शर्मा प्रेजेंटेशन में आते हैं, जैसा मैंने कहा, एकदम सैड से, दुखी से, ऐसा लग रहा था कि इनको इस मैच की हार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ऑलरेडी दुखी हैं वर्ल्ड कप में मिली हार से, ये अभी भी उस फेस से बाहर नहीं निकले हैं। हां हमको सहानुभूति पूरी है रोहित भाई आपके साथ और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि आप अभी तक उस हार को नहीं भूल पाए हैं, लेकिन आप कैप्टन हैं, आप लीडर हैं, आप मात्र एक प्लेयर नहीं हैं, अगर प्लेयर होते तो आपके साथ क्या हो रहा है उससे सिर्फ आपको फर्क पड़ता, लेकिन फिलहाल आपसे पूरी टीम को फर्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन में ऐसे जाना चाहिए था कि आपके शब्द सुन के, आपको देख के ये फील आ जाए कि यार ठीक है एक मैच हारे हैं ना, ये हमारा कैप्टन इस सीरीज को हारने नहीं देगा। लेकिन आपने कहा कि देखिए राहुल ने अच्छी बैटिंग करी, कोहली ने भी ठीक बैटिंग करी, हम अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाए, हमें उस पे ध्यान देना होगा। लेकिन अगर एक बार आप गुस्से में सही या जोश में सही या प्यार से ही सही ये कह देते कि चिंता नहीं करने का, हम फाइट बैक करेंगे, हम रिवेंज लेंगे, हम लौटेंगे, हम वापसी करेंगे, पर ऐसे कोई भी शब्द देखने को नहीं मिले। और मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब इंसान की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ढीली जाने लगती है, उसके शब्दों का लेवल डाउन होने लगता है, तो समझ जाओ उसने मन बना लिया है कुछ अपशकुन करने का, कुछ ऐसा खराब डिसीजन लेने का जो हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपने भी इस मैच में ऐसा नोटिस करा कि रोहित शर्मा का जो वर्जन था वो थोड़ा सा डिग्रेडेड था, हमें ये रोहित शर्मा देखने की आदत नहीं है, कप्तानी के मामले में क्या आपको लगा कि वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं थे, एग्रेसिव नहीं थे? हालांकि वो बहुत एग्रेसिव कैप्टन नहीं है कोहली जैसे, लेकिन कंटीन्यूअस एंगेज रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्या आपको सच में ऐसा लगा कि इस मैच में ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे थे? अगर आपको भी लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जो भी वीडियो देख रहा है भाई प्लीज एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको शानदार अपडेट्स देके आपका मनोरंजन करने का और आपके दिमाग की नॉलेज में वृद्धि करने का जो पूरा यहां पे डेरा होगा वो हमारे सिर पे होगा। और मैं यकीन दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, एक बहुत ही अच्छी खासी टीम हमने वहां पे रखी है जो यहां पे कंटिन्यूस आपके लिए ऐसी चीजें लेके आती है जिसको मैं एक अच्छा खासा अमाउंट पे करता हूं ताकि ये बातें आप तक पहुंच सके। तो एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।